हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग गॉसिप क्वीन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ दम आलू। बहुत ही अलग स्टाइल से, बहुत ही यूनिक है और मुझे पता है कि आप लोग भी अगर घर पर ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामग्री से। तो देखिए फ्रेंड्स, दम आलू बनाने के लिए हमने सारी सामग्री ले ली है। दम आलू बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये आलू ले लिए हैं गाइस। ये 8-10 आलू है, हमने इसे उबाल लिया है और ऐसे छील लिया है। इधर हमने 2 प्याज ले लिए हैं गाइस, इसे अच्छे से काट लिया है। ये हमने खड़े मसाले ले लिए हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, जीरा है, तेज़पत्ता है, ये गाइस 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है और नमक स्वाद के अनुसार हमने ले लिया है फ्रेंड्स। ये हमने 1 टमाटर काट लिया है। इधर हमने अदरक, लहसुन और लाल खड़ी मिर्च का पेस्ट बना लिया है फ्रेंड्स। और ये हमने दही ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ बनाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हमें आलू को थोड़ा मैरिनेट कर लेना है सिर्फ हल्दी पाउडर से, ताकि थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। और फिर हम आलू को फ्राई कर लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा ही सा तेल डालना है गाइस, क्योंकि हमें अभी आलू को फ्राई करना है। इसके लिए तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू भी डाल देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आलू बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे आपको जब भी डालना है तेल में तो चलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तेल तो ऑलरेडी इसमें था ही, पर थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये इनफ नहीं है सब्जी के लिए। हमने बस थोड़ा सा तेल और डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। ये जीरा डाल दिया है फ्रेंड्स और दालचीनी और काली मिर्च डाल देंगे और तेज़पत्ता भी। देखिए फ्रेंड्स, मसाले हो चुके हैं, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। लाल होने तक हमें प्याज को भून लेना है। ओके फ्रेंड्स, प्याज एकदम फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे जो हमने अदरक लहसुन का लिया था। ये हम धनिया पाउडर डाल देंगे फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर, पर इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है जब तक मसाले अच्छे से पक ना जाएं। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसे बढ़िया से चलाते रहिएगा फ्रेंड्स, अच्छे से मसाला जब भून जाए तो हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, हल्का सा करना है जब मसाला भून रहे हो तो।
ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला एकदम पक चुका है, तेल छोड़ने लगे मतलब कि मसाला पक गया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे गाइस, और दही जब भी डालिए तो हमेशा चलाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें आलू भी मिक्स कर देंगे। एकदम टेस्टी दम आलू बनेगा फ्रेंड्स, ऐसा दम आलू आपने पहले नहीं खाया होगा, तो इस रेसिपी को अभी एंड तक जरूर देखें। अब इसमें पानी मिला देंगे फ्रेंड्स। आपको जितना रस चाहिए उस हिसाब से आप पानी मिला सकते हैं, पर ज़्यादा मत मिला दीजिएगा, क्योंकि मसाले जितने होते हैं उसी हिसाब से पानी मिलाना पड़ता है। इसमें नमक भी डाल देंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दम आलू बनके रेडी हो चुके हैं। कितने टेस्टी और कितने यमी लग रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही यमी डिश है गाइस। इसमें दही डालने से और टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो आप अपने घर पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे गाइस। जब भी मेहमान अगर घर में अचानक से आ जाए तो आप इसे बना लें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, अब मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।